किसको वोट डालने आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैं वो कोर्ट से आया हूँ। और आपके ये चोट कैसे लगी? मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। उसकी मम्मा को मुझे वो जेल में बैठा हुआ, मैं वो भी था। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कसूर हमारा है, वो हमारे लिए ला रहा है। बिल्कुल। चलेंगे अल्लाह पाक को। दुनिया का मशहूर बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको क्या प्रॉब्लम हमारे लिए लाना है? वो हमारे लिए लाना लोग समझ नहीं है। समझ रहे हैं जी, समझ रहे हैं। लोग सारे इसके साथ हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अच्छा मिलता है। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंप के बाहर के ये मनाजर है। यहाँ रश लगा हुआ है, मैं आपको जरा दूर से दिखाता हूँ। आप ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये है हैदर पख्तूनख्वा के मनाजर। ये देख सकते हैं नौजवानों की एक बड़ी तादाद कैंपों के अंदर मौजूद है। ये इस तरफ भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कैंप, इस तरफ भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कैंप, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नारे लग रहे हैं। आज इंटरनेट सिग्नल्स बंद कर दिए गए, मोबाइल फोन के सिग्नल्स बंद कर दिए गए। हमारे हल्के के तमाम वर्कर से, वोटर से अपील है कि राबता मुनकता हुआ है, लेकिन हमारे दिलों का राबता अभी भी कायम है। आप लोगों को जो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन जिन जगहों पर आपको तैनात किया गया है, रिजल्ट लेने से पहले आपने वो जगह नहीं छोड़नी। और मैं हुकूमत वक्त को ये पैगाम देता हूं कि ये हथकंडे नौजवानों को मजीद बदजन कर रहे हैं। जरूर सोचिए इसके ऊपर, ऐसे ना हो कि ये नौजवानों की एक बहुत बड़ी कैप जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारने जा रहे हैं, वो ऐसे दिल बर्दाश्ता हो जाएं और खुदा ना खास्ता ऐसे बददिल हो जाएं कि फिर उनको संभालना मुश्किल हो। बहुत शुक्रिया।